Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You are watching the BPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. Namaskar dosto, Civil Study Cafe में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. Guys, अभी तक हम complete कर चुके थे 2018 का paper 1 और 2018 का paper 2 और साथ में हम discuss कर चुके थे 2018 का paper 3 का 3 marks के सारे के सारे questions. ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम देख रहे हैं 56 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एक वीडियो में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं, इसको देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है, विश्लेषण कीजिए. ठीक है, यानी कि वो एनालाइज करने के लिए बोल रहा है आपसे, एनालाइज व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज कंसाइडर्ड एज अ प्लांट डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना. कहने का तात्पर्य यह है, देखिए वो सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है कि योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था इसको क्यों समझा जाता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर हिट कर पाएंगे. और अगर आपको ये की पॉइंट्स समझ नहीं आ रहे हैं तो गाइस फॉर्चुनेटली आप इसको हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है और इसको हिट करने के लिए आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा. और कीवर्ड्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप आंसर को ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, है ना. खैर देख लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये इसका की पॉइंट्स समझ आ ही जाएगा. और इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन आप जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. आज़ादी के बाद हमारे सामने कई सारी चुनौतियाँ थीं और इसलिए हमारे नेताओं ने योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था को अपनाया. भाई क्यों अपनाया, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, इसके पीछे रीजंस क्या थे. देखिए आपको पता होगा जब हमारे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, उस टाइम पर कई सारी प्रॉब्लम्स से हम ऑलरेडी फेस कर रहे थे, ठीक है. और जैसे ही आज़ादी हमें मिली उसके बाद हमारे सामने और भी कई प्रकार की समस्याएँ खड़ी हुई थी. तो हम डायरेक्ट कुछ अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर पाना या फिर अच्छी डेवलपमेंटिंग प्लान कर पाना ये हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हर तरह की समस्या हमारे सामने खड़ी थी, जैसे भुखमरी, गरीबी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, अनएजुकेशन, है ना, इस टाइप की कई प्रकार की समस्या हमारे सामने थी. तो इसलिए क्या हमारे जो नेता थे उनका योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था को उनके द्वारा अपनाया जाना कदम जो था वो सही था. ठीक है, हम थोड़ा सा, तो ये तो है इंट्रोडक्शन में आप इस टाइप से एज ए कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, फिर भी हम और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हम और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है. देखिए हम इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम बॉडी के बारे में बात करते हैं. देखिए बॉडी में क्या है, मुख्य बिंदु पॉइंट नंबर 1 दिख रहा होगा, 1950 को योजना आयोग का गठन, है ना, यानी कि 1950 में हमने योजना आयोग का गठन कर लिया था. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊंगा. देखिए इसमें मैं सारा का सारा एक एक करके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं 1950 का योजना आयोग का गठन. ठीक है, यानी कि 1950 को हमने प्लानिंग कमीशन बनाया और वो क्यों बनाया, उसके पीछे पर्पज़ क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए आपको पता होगा जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था तब भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मानी जाती थी. ठीक है, यानी कि जब हम आज़ाद होने से भी पहले, जब हम गुलाम ही नहीं हुए थे, यानी कि गुलाम होने से पहले हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उस टाइम पर मानी जाती थी. ठीक है, आपको पता होगा जनसामान्य की आजीविका का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि था, है ना, और जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ तब से इसमें कमी, है ना, तब से कभी भी औपनिवेशिक शासनों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया था. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब से इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी बना तब से उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि इसका नेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए. इन सारी चीज़ों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई विशेष ध्यान नहीं था, विशेष क्या, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. ठीक है,
तो ये तो था अपना पॉइंट नंबर वन, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा, उसके बाद आपको ये पता होगा 1947 में देखिए देश आज़ाद हुआ और साथ में इसके दो टुकड़े भी हो गए, ठीक है। खैर वो एक अलग बात, लेकिन औद्योगिक नीति देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए और 1948 में हमने पहली अपनी औद्योगिक नीति अपनाई है ना। और औद्योगिक नीति अपनाने के बाद उसके बाद फिर 1950 में हमने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है ना योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और इस प्रकार फिर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत धीरे धीरे करके हुई थी। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो इस टाइप से सारा का सारा इसका फॉर्मेशन बना और इसको हमने इसका गठन हमने किया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट नंबर वन। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर टू, इसमें है 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ है ना। देखिए 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमने कर दी थी, और इसमें देखिए 1951 से काफ़ी सारी पंचवर्षीय योजना 11वीं 12वीं तक पंचवर्षीय योजनाएं रहीं धीरे धीरे, 5 साल 5 साल इस टाइप से। तो इसमें देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य था, कुल मिलाकर मोटे तौर पर हम बात करें यहाँ पर, हम एक एक प्लानिंग एक एक फाइव ईयर्स प्लान को डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा है ना, आंसर इसका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाह रहा मैं। सारा का सारा होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करके मैं एक इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो मेन टारगेट था वो था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता है ना, और साथ में समानता है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें देखिए आपको थोड़ा सा ओड लग रही होंगी, समृद्धि क्या है ना, तो मैं ये थोड़े से जो की पॉइंट्स मैंने यूज़ किए हैं, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता है ना, और एक समानता, इनको मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए समृद्धि का मतलब क्या होता है, समृद्धि का नॉर्मली मतलब होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि है ना, यानी कि जो वस्तुएं हैं और जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उनका जो उत्पादन क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको बिल्डअप करना, एक तरह से उसको बढ़ाना है ना। दूसरा की पॉइंट मैंने यूज़ किया था आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, आधुनिकीकरण का नॉर्मली मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं है ना, तो हमें नई प्रौद्योगिकी को अपनाना पड़ता है ना। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए किसानों है ना, किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं है ना, किसान जो होते हैं अपने पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का यूज़ करते हैं है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या हुआ था उसमें, किसानों ने अच्छे बीजों का यूज़ किया है ना, जिससे उनका उत्पादन और बढ़ जाए है ना, पैदावार बढ़े है ना, और फैक्ट्री में अच्छी मशीन है ना, इस टाइप की चीज़ें, उच्च तकनीकी वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, ये सब आधुनिकीकरण है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद फिर क्या है, आधुनिकीकरण केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं होता है। देखिए एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, आधुनिकीकरण जो होता है वो केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं हो सकता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी होता है ना, जैसे कि महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार रखती हैं ETC है ना, इत्यादि। नेक्स्ट की पॉइंट मैंने यूज़ किया था आत्मनिर्भरता। देखिए अभी ये चर्चा में रह रहा है आत्मनिर्भर भारत है ना, तो आपको इस पर थोड़ा सा नजरें जमाए रखना है क्योंकि ये ऐसे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत है ना, आत्मनिर्भर भारत से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से पूछा जा सकता है आपको, ओके। तो इसमें क्या है, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भरता का नॉर्मली मतलब होता है हमारी, देखिए आपको पता होगा हमारी पहली से लेकर 7वीं तक पंचवर्षीय जो योजनाएं थी है ना, उनको एक तरह से आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था। पहली से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं तक सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया था वो किसको दिया गया था, आत्मनिर्भरता का। इसका मतलब था ऐसी चीज़ों के आयात से बचा जा सके जिनका देश में ही उत्पादन हो सके है ना। कहने का मतलब अभी जो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी बात पर आधारित है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे, निर्यात पर हम ध्यान देंगे, आयात हम कम से कम करेंगे है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों पर अभी भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यूज़ किया था समानता। समानता का मतलब क्या होता है, देखिए समानता मतलब प्रत्येक भारतीय को भोजन, आवास, अच्छा आवास है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ है ना, इस टाइप की सारी चीज़ें मिलना। अब आप एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें अगर इंसान को मिलती हैं तो क्या वो आत्मनिर्भर है, यानी कि समानता हम सोसाइटी में ला पाएंगे, तो आंसर होगा इसका नो, क्योंकि आत्मसम्मान भी काफ़ी ज़रूरी है ना। समाज में मान लीजिए आपको एक अच्छा घर दे दिया जाता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना दे दिया जाता है,
अच्छी एजुकेशन भी दी जाती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है सोसाइटी में, या फिर लोग आपकी समाज में इज्जत नहीं करते हैं, तो क्या आप ये बोल पाएंगे कि है ना समानता सोसाइटी में आ गई है ना? तो आंसर उसका नो है ना। तो हमें ये पॉइंट भी हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है, कि समानता के लिए आत्मसम्मान होना ज़रूरी है ना सोसाइटी में, हर इंसान की बराबर इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। खैर, उसके बाद फिर पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। देखिए, इनको एलपीजी रिफॉर्म्स क्या बोला जाता है, एलपीजी एल फोर होता है लिबरलाइजेशन है ना, और पी फोर होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी फोर होता है ग्लोबलाइजेशन है ना। तो देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण है, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उदारीकरण की बात करें तो देखो, उदारीकरण के टाइम पर हुआ क्या था, उदारीकरण जब हुआ था देश में 1991 के बाद, ठीक है, उस टाइम पर देखो अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे जो रसायन पदार्थ जो थे है ना, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री जो थी, इलेक्ट्रॉनिकी है ना, विमानन और औषधि से बनी हुई कुछ सामान सामग्री, तो इस प्रकार के कुछ कुल 6 उत्पादों को छोड़कर देखिए सभी के लिए, सभी उत्पादों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था है ना, सॉरी रद्द कर दिया था, ये आपको भी पता होगा। देखिए, सरकार के पास सिर्फ सुरक्षित उद्योगों में एक तो प्रतिरक्षा उपकरण और परमाणु ऊर्जा उत्पादन है ना, और एक रेलवे परिवहन, ये यही कुछ क्षेत्र सरकार के पास यानी कि सरकार के हाथों में रह गए थे, ठीक है। उसके बाद सबको इन्होंने एक तरह से सबको लिबरलाइजेशन में एक तरह से लाने का प्रयास इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता था कि सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना है ना, उद्देश्य क्या होता है इसका, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मकसद होता है वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना है ना, और साथ में आधुनिकीकरण में सहायता देना है ना, और निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है ना। तो मुख्य उद्देश्य जो होते हैं वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण, FDI है ना, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये सारा का सारा एक पर्पस होता है निजीकरण का, ठीक है। उसके बाद फिर वैश्वीकरण का मतलब होता है, इसका उद्देश्य देखो पूरे विश्व को एक करना होता है, यानी कि और अधिक एकीकृत करना होता है। इसमें हम आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक गतिविधियों का एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, यानी कि इसमें नेटवर्क तैयार करना होता है, और इसमें कोसों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है ना। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसी को हम बोलते हैं वैश्वीकरण, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए आपको पता होगा 12वीं 2012 से 17 तक इसका टाइम था, टेन्योर था, ठीक है। और इसकी विकास दर जो रखी थी 8 से 9% रखी गई थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि है ना, इसके जो टारगेट थे मेन वो यही थे, कृषि क्षेत्र की वृद्धि है ना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर आमदनी हो सके लोगों की है ना, समेकित विकास को ध्यान में रखा गया है ना, घरेलू क्षमता पर ध्यान दिया गया, और भी बहुत कुछ है ना, लेकिन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो ये जो मैंने होलिस्टिक अप्रोच में एक तरह से डिस्कस करके आपको बताया है, तो इस आधार पर आप एक मोटी मोटी अप्रोच जो है वो आप यहाँ से अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए कि ये जो सारी की सारी चीज़ें जो चल रही थी वन बाय वन, सीढ़ी दर सीढ़ी है ना, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, इसी फॉर्मेट को, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। यानी कि जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने कदम उठाए हैं, और अभी भी सरकार जो है एकदम से कोई भी कदम नहीं उठा पाती, अभी भी हम स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप अपना एक बॉडी फिगर बना सकते हैं, ठीक है, और उसको आप प्रेजेंट कर सकते। देखिए, मैं एक्सप्लेन तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही करता हूँ, लेकिन आप अपने अपने मन से जो भी आपको पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं, जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर सिविल स्टडी कैफे प्लेटफॉर्म पर, जो पॉइंट्स आपको रिलेवल लगते हैं, उन पॉइंट्स को आप सीधे अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए फिर उसके बाद ये तो बॉडी हो गया, फिर आप कंक्लूजन में क्या, तो है ना, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं इस प्रकार की सभी चीज़ों के आधार पर है ना, कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें थीं, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, और आगे हम
और लेक्चर्स में हम सारे के सारे एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो है ना, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.